पीकेडी नाम्बिया राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपके विचार थोड़ी सी सरकार की तरफ रुझान रखते हैं। थोड़े से कहूं या पूरा कह दूं? पूरा ही कह देता हूं। पूरा कह देता हूं। आप पूरी तरीके से सरकार के पक्ष में बोलते हैं, पीकेडी नाम्बिया। बिल्कुल, जहां से ओमनिका जी खत्म किया वहीं से शुरू करूंगा। यूपीए 1 और 2 के कार्यकाल में लगभग 112 ईडी का केसेस थे दर्ज किया था। आपको पता है कि एक तरह से एक दौर था जो करप्शन केसेस का एक से बढ़कर दूसरा, हर रोज़ अलग अलग करप्शन चार्जेस का जमाने में टाइम पे भी आपने देखा था सिर्फ 112 केस। पिछले साढ़े आठ का साल का जो मोदी जी का जो कार्यकाल के अंदर लगभग 3000 केस हुआ है। मैं ये सवाल ये पूछना चाहता हूँ, जितनी भी लोग जो ये राजनीतिकरण ऑफ ईडी और सीबीआई जिसको कह रहा है, इसमें से कितनी प्रतिशत लोग पॉलिटिकल लोग पार्टी का लोग है? अगर पॉलिटिकल पार्टी का लोग है भी हो तो एके एंटनी के पास ईडी या सीबीआई क्यों नहीं जाते? प्रणब मुखर्जी के पास क्यों नहीं गए थे? जो जिसने चोर की जिस जगह पे जो चोर के पास पुलिस पहुंचना जरूरी है, मुझे लगता है कि जब तक जो जितना भी एजेंसीज है एंटी करप्शन मूवमेंट के ऊपर वो लोग काम कर रहे हैं तो पूरी देश को, ऑपोजिशन पार्टी को भी और हर पार्टी को उसको, आपने जो बात बोली है ना उससे कई बातें निकलेंगी और वो बात हम आगे जो शुरुआती वक्तव्य खत्म हो जाए उसके बाद मैं वापस आऊंगा आपके पास। पीकेडी नाम्बिया, किसी कारण से मैं एक एक केस के स्पेसिफिक डिटेल्स में इसलिए नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि अगर हम वो करने लगे तो वक्त कम पड़ जाएगा और हम जस्टिस नहीं कर पाएंगे। यहां बात हो रही है जो आरोप लग रहा है आशुतोष, एक पैटर्न का, एक एक ट्रेंड जो दिखाई देता है उसका, कि आप विपक्ष में ही आपको सारे खोट, पूरा भ्रष्टाचार, सारा करप्शन, मैं नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि ये नहीं हो रहा होगा, लेकिन ऐसा क्यों है कि आपको एक ही तरफ दिखाई दे रहा है और दूसरी तरफ एकदम सब्ज बाग है? ये कोई इक्वालिटी, एक सेकंड, इक्वालिटी की बात नहीं है, बात यही है कि सारे सारे 50% अगर ऑपोजिशन को कर लिया तो 50% नहीं, तो ये सवाल बिल्कुल पूछा जाएगा तो ये बीजेपी में हर आदमी कर्नाटका में, पीकेडी नाम्बियार, कर्नाटका में क्या भ्रष्टाचार नहीं हो रहा? मैं मानता हूं है 40% का आरोप लग रहा है, डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठियां लिख रहे हैं। सवाल एक, नंबर वन, संकेत उपाध्याय और इस तरह का बड़े हजारों मीडिया हाउसेस से हिंदुस्तान के अंदर कहां गया आपका इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म? क्यों आप चार सत्ताधारी पार्टियों का, जो बीजेपी का जो नेताओं के ऊपर करप्शन चार्जेस आप लेके क्यों नहीं आ पाते? कहां गया कैम्ब्रिज में जाके आप ज्ञान बांटे? एक सेकंड, पीकेडी नाम्बियार के ऊपर, अमित शाह जी के ऊपर और नाम्बियार जी के ऊपर क्यों नहीं आप लेके आए? बहुत खुशी हो रही है ये बताते हुए लेके पीकेडी नाम्बियार ने ईडी, सीबीआई और आईटी की जिम्मेदारी हम जैसे न्यूज चैनल्स को दे दी। मैं ये जिम्मेदारी लेने से मना करता हूं क्योंकि मैं इसका काबिल और फाजिल नहीं हूं। आपसे सवाल एजेंसियां हैं संकेत जी, आपसे सवाल नहीं है, नहीं सवाल ये है, आप मुझसे सवाल मत पूछिए। एक सेकंड, सवाल ये है, मैं सवाल की कटघरे में नहीं, आप गलत है। पीकेडी नाम्बियार इस पर राइट टू रिप्लाई देना चाहता हूं जल्दी से, सिर्फ एक सवाल। 3000 पिछले 8-8.5 वर्षों में लगभग 3000 रेड हुआ ईडी का, ये कहते हैं, कितनी प्रतिशत ऑपोजिशन पार्टी का या छोड़ दो पॉलिटिकल पार्टी का नेताओं के ऊपर रेड हुआ है? कितना बिजनेसमैन के ऊपर हुआ है? कितने ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर हुआ है? किसी को पता है? आप बताओ, 30 नाम बता दीजिए, 30 नाम। मैं सिर्फ आपको चैलेंज करता हूं, आउट ऑफ द 30 मैं आपको चैलेंज करता हूं, आपको 5 नाम बता दीजिए बीजेपी के नेताओं पर हुआ। मैं सवाल मोदी जी, 5 अगेन संकेत जी, देखो आपको सिर्फ सवाल ये पूछ रहा हूँ कि 3000 में से कितने विपक्ष का नेताओं को, 3000 में से कितने कितने पक्ष के नेताओं को, 30 लोगों को बताओ ना, 3000 में से 30 लोगों को नाम बताइए ना। एक सेकंड ओनिका जी सवाल पूछ रही है आपसे, एक सेकंड, बिना 30 लोगों का नाम बिना शोर शोर शराब के, आप अपना बता दीजिए ना, अब इस पे क्यों नहीं हुआ 8 करोड़ मिलना और इतनी ग्लोरिफिकेशन करना? इट्स अ टाइट स्लैप, राजस्थान में लोकायुक्त कहां गया? छत्तीसगढ़ में लोकायुक्त क्यों नहीं है बताइए? लोकायुक्त कहाँ है छत्तीसगढ़ में? लोकायुक्त कहाँ है? जो आम आदमी पार्टी लोकायुक्त का नाम पे पद में आया था दिल्ली में, कहाँ है लोकायुक्त? बहस नहीं होगी, लोकायुक्त मुझे बीच में आना काम कर रहे हैं, कहाँ है छत्तीसगढ़ में लोकायुक्त क्यों नहीं है? इस तरीके से आप बता दीजिए, राजस्थान में लोकायुक्त क्यों नहीं है? और आप लोकायुक्त किसी को अरेस्ट कर लेगा? सवाल पूछ दिया आपने, सवाल जो फोर्स है वो कब तक पूरी बनेगा? 140 करोड़ जनता है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई ना, ईडी नहीं गया।
डुबा दिया कि आपको ईडी नहीं गया ना पीकेडी नंबर के पास कोई भी नहीं गया। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? आप ऐसे कह रहे हैं कि जो अगर अगर आपका यहाँ पे भी यही होगा 70 एमएलए है, 60 एमएलए है, किसकी से बात किया? पीकेडी जी प्लीज प्लीज क्यों नहीं है न्याय करने के लिए न्यायपालिका है? विश्वास करते हो अगर लालू जी को जो अरेस्ट हुआ जेल हुआ उसके ऊपर जो पीकेडी नाम देश का सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय किया उसके ऊपर आपका क्या मत है बताइए? अरे वो सीबीआई कोर्ट था, आपको इतना ज्ञान नहीं है? जब भी संविधानिक कोर्ट में ये केस आएगा आप सुन लीजिए, आप सुन लो, आप सुन लो, अंदर थे लालू जी को अंदर सीबीआई ने किया था, और सीबीआई एक तोता है और तोता जो है अपने मास्टर्स का आवाज बोल रही है, और जब जब भी संविधानिक कोर्ट में आएगा होगा तो तोता नहीं है। जब भी संविधानिक कोर्ट में आएगी लालू जी दूध का दूध और पानी का पानी धुला हुआ है, इस केस पे बात करो। अरे अगर आप न्याय कर रहे हो, अगर न्याय कर रहे हो तो कितनी साल से जेल में है आप? अरे आपने संस्था को दुरुपयोग करके जेल में डाला हुआ है, वो दुरुपयोग आपने किया, चारा घोटाला सुना है आपने? नाम न्याय कर रहे हो तो न्याय करते हुए जिस गाय का जिस बहस के लिए जो वो खाद लेके वो भी खुद खाया हुआ। अरे मैं के बात का बात कर रहा हूँ। अरे आप तर्कहीन बात क्यों कर रहे हो? असंवैधानिक बात है, क्यों यहाँ पे क्यों इसमें असंवैधानिक क्या है? ये चारा घोटाला है पूरा दुनिया, कोई घोटाला नहीं हुआ है, कोई घोटाला नहीं हुआ, कोई घोटाला नहीं हुआ। लालू यादव जी का इसमें कोई रोल नहीं है। सीबीआई कोर्ट ने उनको चार्जशीट किया था, सीबीआई कोर्ट जैसे ही संविधान। सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।